हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43rd AGM मीटिंग 15 जुलाई को खुद के बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग या जियो मीट के जरिए लाइव किया गया। इसकी मदद से यूट्यूब, फेसबुक और रिलायंस जियो के बाकी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव किया गया। यह मीटिंग लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक चली, जिसमें शुरुआत के 1 घंटे में मीटिंग का प्रमोशन किया गया, जहां कुछ उपलब्धियों और कुछ झलकियां दिखाई गई। उसके बाद इस मीटिंग को मुकेश अंबानी के द्वारा शुरू किया गया। शुरू में मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी, जियो मीट, जियो प्लेटफॉर्म और आने वाली कई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी सभी छोटी बड़ी कंपनियों के साथ अपने पार्टनरशिप के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गूगल ने बीते दिनों रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 7.7% की हिस्सेदारी गूगल की है। इसकी मदद से जियो और एंड्रॉइड के साथ मिलकर नए ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के ऑपरेटिंग सिस्टम में जियो फोन्स को मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किया जाएगा। फेसबुक के पार्टनरशिप की मदद से इंडिया में ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी मदद से जियो मार्ट सर्विस को लॉन्च किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग की जाएगी। फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन यानी कि 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक की है। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने जियो 5G, जियो ग्लास, जियो टीवी प्लस और आने वाली कई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं इन नई टेक्नोलॉजीज के बारे में। दोस्तों, रिलायंस जियो की नई टेक्नोलॉजीज के बारे में ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और किरण थॉमस ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि पिछले साल रिलायंस के तहत जियो फाइबर और जियो सेटअप बॉक्स को लॉन्च किया गया था, जिसमें सभी अच्छे कंटेंट्स को दुनिया की टॉप OTT प्रोवाइडर्स की मदद से डाला गया था और यह काफी सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन कुछ फीडबैक से यह पता चला कि लोगों को उनके फेवरेट कंटेंट्स को देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस सेटअप बॉक्स के फीचर को रिलायंस जियो के बीटा प्रोग्राम की मदद से ज्यादा बेहतर बनाया गया है और इस फीचर को जियो टीवी प्लस के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। यहां आपको दुनिया के टॉप लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वोट, सोनी लिव, G5, जियो सिनेमा, जियो सावन, यूट्यूब और वो सभी प्लेटफॉर्म्स बस एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इन सब की सब्सक्रिप्शन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको बस जियो टीवी प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, जैसे किसी DTH को रिचार्ज करके लिया जाता है। उसके बाद उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपनी मर्जी के अनुसार देख पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी के पास अभी तक पहले का डब्बे वाला टीवी है, तो वो लोग भी इन OTT प्लेटफॉर्म्स को बड़े ही आराम से एंजॉय कर पाएंगे। जियो टीवी प्लस के बेहतरीन फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको इंटीग्रेटेड सर्च फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अपने फेवरेट एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी भी तरह से जियो टीवी प्लस के रिमोट से वॉइस सर्च और टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको उससे रिलेटेड सभी कंटेंट्स जैसे कि म्यूजिक, वीडियो, ट्रेलर, मूवी आदि देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप जियो फाइबर की मदद से जियो टीवी प्लस को एक्सेस कर सकते हैं, जहां आप लाइव चैनल्स पर वोटिंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में अपने फेवरेट कंटेंट्स को वोट कर सकते हैं और उन्हें लाइव कंपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको जियो ऐप स्टोर भी मिल जाता है, जहां आप इंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, कुकिंग, योगा, गेमिंग, रिलीजन जैसे एप्स को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डेवलपर अपने एप्स को यहाँ स्टोर कर सकता है। जियो ऐप डेवलपर्स की अधिक जानकारी के लिए आप developer.jio.com पर जा सकते हैं। दोस्तों, AGM मीटिंग में आगे रिलायंस जियो की नई टेक्नोलॉजी जियो ग्लास के बारे में बताया गया। इसे जियो फाइबर की कनेक्टिविटी की मदद से बनाया गया है। जियो ग्लास की मदद से आप फोन से कनेक्ट कर किसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो और वहां आप अपने अनुसार 2D वीडियो को शो कर सकते हो या तो 3D अवतार को शो कर सकते हो। इस 3D अवतार में बिल्कुल रियल प्रेजेंस की तरह लगता है। यहां आप ऑफिस एक्टिविटी, होम एक्टिविटी या किसी भी तरह की एक्टिविटी को रियल बॉडी प्रेजेंस की तरह कर सकते हो। इसके साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट्स जियो ग्लास की मदद से 3D वर्चुअल रूम क्रिएट कर सकते हैं और होलोग्राफिक क्लास को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक जगह से किसी भी हिस्टोरिक प्लेस को विजिट कर सकते हैं, उसकी बनावट को देख सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। इसकी मदद से आप एक जगह से ताजमहल या इजिप्ट का गीजा पिरामिड या रोम का कोलेजियम या किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पर जा सकते हैं। जियो ग्लास की वेट 75 ग्राम है और इसकी सर्विस को देखें तो यह 25 एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है। इसकी मदद से 3D ग्राफिक्स और हाई क्लास विजुअल एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस की AGM मीटिंग में उसके बाद जियो की नई टेक्नोलॉजी जियो मीट के बारे में बताया गया। जियो मीट को कुछ समय पहले ही लॉन्च किया गया है। यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऐप है और इसे एंड्रॉइड, iOS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के साथ साथ वेब ऐप के लिए भी बनाया गया है। इस AGM मीटिंग को भी जियो मीट से ही बाकी सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव किया गया। इस COVID-19 के लॉकडाउन पीरियड में सभी ऑफिशियल और अनऑफिशियल कामों को ऑनलाइन आगे बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी कई छोटी बड़ी कंपनियों ने अपना खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग ऐप को लॉन्च किया है।
एजीएम मीटिंग में आगे बताया गया कि इस जियोमीट की मदद से रियल टाइम इशू को सुलझाया जा सकता है। इसकी मदद से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, जिससे एडुकेशन की फील्ड में काफी फायदा होगा। इसके अलावा मेडिकल और हेल्थ केयर में यह काफी फायदेमंद हो सकता है। इस कोरोना क्राइसिस की वजह से लोगों को कहीं भी आने जाने में काफी प्रॉब्लम होती है, जिससे डॉक्टर से चेकअप के लिए जियोमीट की मदद से डॉक्टर और पेशेंट के बीच इंटरेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों, एजीएम मीटिंग में आगे रिलायंस जियो एम्बाइब के बारे में बताया गया। यह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मीटिंग में बताया गया कि एडुकेशन और लर्निंग के लिए न सिर्फ जियो मीट बल्कि उससे बेहतर स्टडी प्लेटफॉर्म के रूप में एम्बाइब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के समय में इंडिया में अच्छे टीचर्स की कमी है। लगभग 30-80% टीचर्स की पोस्ट खाली है और ज्यादातर टीचर्स अनट्रेंड है। इसलिए इस कमी को दूर करने और ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस से बेहतर बनाने के लिए जियो एडुकेशन प्लेटफॉर्म एम्बाइब को शुरू किया जा रहा है। इसकी मदद से आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। यहाँ आपको वर्ल्ड के बेस्ट कंटेंट्स और क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, जिससे स्टूडेंट्स इनकी हेल्प लेकर अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एजीएम मीटिंग में आगे बताया गया कि जियो के लॉन्च हुए 4 साल हो चुके हैं। रिलायंस जियो को पैन इंडिया की मदद से 4G नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। अब जियो 5G लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जियो 5G को मेक इन इंडिया के तहत रिलायंस जियो के एम्प्लॉयज के द्वारा बनाया गया है। जियो 5G में बिल्ट इन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जिसकी मदद से एक नॉर्मल सिटीजन के अलावा इंडियन फार्मर्स को एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगी। जियो 5G की मदद से ड्रोन को कनेक्ट कर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में फसलों की प्रोड्यूसिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जियो 5G की मदद से मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे नए नए जॉब्स में बढ़ोतरी होगी और इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा जियो 5G की मदद से मेडिकल हेल्थ केयर में डॉक्टर और पेशेंट को फायदा होगा। यहाँ रिमोट हेल्थ केयर सर्विस की मदद से घर बैठे डॉक्टर से चेकअप करा पाएंगे। इसके साथ साथ जियो 5G में एक बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट स्पीड को एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, रिलायंस एजीएम मीटिंग में आगे जियो मार्ट के बारे में बताया गया। जियो मार्ट की मदद से आसपास के सभी छोटे बड़े किराना स्टोर्स और आसपास के कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। जियो मार्ट में व्हाट्सएप की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने एसेंशियल प्रोडक्ट्स को मंगा सकते हैं। इस सर्विस को कोरोना क्राइसिस को देखते हुए शुरू किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसलिए जियो मार्ट की मदद से घर बैठे अपने जरूरी सामान को आसपास के किराना स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं और उसी दिन कुछ ही समय में वो प्रोडक्ट आपके घर या आपके मंगाए हुए किसी भी जगह पर डिलीवर हो जाए। यहाँ आपको आपकी जरूरत के हिसाब से सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और डिलीवरी को डिले होने की समस्या भी नहीं रहेगी, क्योंकि इस सर्विस में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए मैक्सिमम समय 48 घंटे का होता है। फिलहाल इस सर्विस को पूरे भारत के लगभग 200 शहरों में शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में इसे पूरे भारत के सभी शहरों में शुरू किया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद रिलायंस एजीएम मीटिंग में मुकेश अंबानी ने माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल के पार्टनरशिप के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि पिछले साल 2019 में माइक्रोसॉफ्ट और रिलायंस जियो के बीच लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हुई, जिसमें एज्योर क्लाउड की मदद से जियो क्लाउड बेस्ड सिस्टम को बढ़ाया जा रहा है। और अब 2020 में गूगल और फेसबुक के बीच पार्टनरशिप हुई, जिसकी मदद से रिलायंस जियो की टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश को 2G मुक्त बनाने का विजन लिया गया है और जियो 5G की टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत को सहयोग मिलेगा। दोस्तों, फेसबुक ने रिलायंस जियो में लगभग $5.7 बिलियन यानी कि 43,574 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 9.99% की हिस्सेदारी फेसबुक की है। इसके अलावा गूगल ने रिलायंस जियो में लगभग $4.5 बिलियन यानी कि 33,737 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 7.7% की हिस्सेदारी गूगल की है। दोस्तों, रिलायंस एजीएम मीटिंग में आगे फेसबुक के सीईओ चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप के बारे में बात की। इसके अलावा नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के बारे में बात की, जहां इस कोरोना क्राइसिस में किस तरह रिलायंस फाउंडेशन काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप इस रिलायंस एजीएम 2020 मीटिंग को पूरा देखना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज अभिषेक इन्फोटेक को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।